आज हम बात करेंगे धारा 436 सीआरपीसी। धारा 436 जो है वो अध्याय 33 जमानत और बंध पत्रों के संबंध में जो अध्याय है उसकी प्रथम धारा है। 436 का जो आवेदन होता है वो केवल और केवल जमानती अपराधों में दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें याद ये रखना है कि 436 की जब भी बात होती है तो वो केवल और केवल जमानती अपराधों के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 436 की सबसे पहले हम वर्डिंग देखेंगे तो इसकी जो हेडिंग है वो ये कहती है कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी, मतलब मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि ली जाएगी। तो 436 की जो वर्डिंग है वो यह कहती है कि जब, सबसे पहली बात इसमें ये है कि जब अजमानती अपराध के अभियुक्त से भिन्न कोई व्यक्ति, मतलब कैसा व्यक्ति कैसा है जिसने अजमानती अपराध नहीं किया है अर्थात वो जमानती अपराध का है, थाने के बाहर साधक व्यक्ति द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है या उसके समक्ष पेश होता है या लाया जाता है और न्यायालय की अभिरक्षा में है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष पेश होता है तो सबसे पहले न्यायालय उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है या अन्य किसी न्यायालय के कार्यवाही के प्रक्रम में जमानत देने के लिए तैयार है तो न्यायालय उसको जमानत पर छोड़ने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि उसको जमानत दी जाएगी। अर्थात जब कोई व्यक्ति अजमानती अपराध का अभियुक्त नहीं है, वो जमानती अपराध में न्यायालय में पेश हुआ है या लाया गया है या पुलिस अधिकारी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार करके या निरुद्ध करके लाए हैं, तब ऐसी स्थिति में और वो जमानत देने के लिए तैयार भी है, अगर जमानत देने के लिए तैयार नहीं है तो उसको जमानत पर छोड़ देने के लिए कोर्ट बाध्य नहीं है। अब इसका परंतुक है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय को लगता है कि ये अत्यंत गरीब है और ये जमानत देने में सक्षम नहीं है तो उसको स्वयं के मुचलके पर भी छोड़ देगा। लेकिन इसका भी एक स्पष्टीकरण है, यदि कोई व्यक्ति है और न्यायालय ने उसको जेल भेज दिया, जमानती अपराध में वो न्यायालय के समक्ष पेश हुआ, उसको जेल भेज दिया और एक सप्ताह तक वो जमानत देने में समर्थ नहीं होता है तो न्यायालय उसको मान लेगा कि ये व्यक्ति गरीब है, निर्धन है और जमानत देने में सक्षम नहीं है और उसको छोड़ देगा। एक सप्ताह का समय याद रखना। इसका भी एक परंतुक है कि जो एक सप्ताह वाला फंडा है वो दो धाराओं में लागू नहीं होगा, सीआरपीसी की धारा 116(3) और 446 का। 116(3) जो है, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध 111 का आदेश किया जाता है और 116 की जांच चलती है कि जो आपके विरुद्ध इत्तला मिली है वो सही या गलत है, तो वो जांच प्रारंभ होने के पश्चात और समाप्त होने से पूर्व न्यायालय को लगता है कि ये व्यक्ति लोक शांति भंग करेगा या अन्य किसी प्रकार का अपराध करेगा तो न्यायालय उससे मांग करेगा कि आप प्रतिमूल सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करें। ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति न्यायालय के आदेश अनुसार प्रतिभूतियों सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित नहीं करता है तो वो मजिस्ट्रेट चाहे तो उस व्यक्ति के लिए जब तक जांच पूरी ना हो जाए निरुद्ध रख सकता है। यहाँ 7 दिन वाला फंडा लागू नहीं होगा। 446 का भी इसका विवाद है, इसमें भी 7 दिन वाला फंडा नहीं है। 446 का ये प्रावधान करती है कि जब आपके जमानत पत्र और मुचलके रद्द कर दिए जाते हैं और न्यायालय आपसे नए जमानतदारों को मांगती है
एक या दो, तो आपको पर केवल आपके बंध पत्र पर नहीं छोड़ा जाएगा स्वयं के, आपको जमानतदार लाने ही पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप अगर 7 दिन तक नहीं लाते हैं तो आपको निर्धन मान लिया जाएगा और न्यायालय आपको छोड़ देगी, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से अभी हमने देखा 446 का क्लाज फर्स्ट का परंतुक, उसका स्पष्टीकरण, फिर स्पष्टीकरण का परंतुक दो। ठीक है, अब हम इसका सब क्लाज टू देखेंगे। सब क्लाज टू ये बात करता है कि 436 के फर्स्ट क्लास में किसी बात के होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति जमानत या बंध पत्र पर छोड़ा गया है और हाजिरी के समय और स्थान के संबंध में व्यतिक्रम करता है, शर्तों का पालन नहीं करता है, जिस दिनांक को हाजिर होने के लिए बोला गया है नहीं आता है, या जिस स्थान पर बोला गया है उस स्थान पर नहीं आता है, तो उसको जमानत पर जब भी वो पेश होता है या गिरफ्तार करके लाया जाता है तो जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है, उसको जेल भेज सकता है। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह पाएंगे कि सर ये तो जमानती अपराध है। जमानती अपराध में भी जब आपके खिलाफ वारंट होता है या आप स्वयं उपस्थित होते हैं तब फिर आपको न्यायालय जमानत देने के लिए बाध्य नहीं है, और आपके मुचलके और जमानत संप्रहत होती है तो जो 446 की कार्रवाई है वो भी आपको होगी। 446 की कार्रवाई ये है कि जब आप शर्तों का अपालन करते हैं तो आपके मुचलके और जमानत पत्र संप्रहत कर लिए जाते हैं और आपको जुर्माना और दंड भी दे सकता है।